कैबिनेट बैठक में कमलनाथ सरकार ने अहम फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने लैंड पुलिंग पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही किसानों की हजारों एकड़ जमीन वापस होगी। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में आज भोपाल में हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने विकास प्राधिकरण की योजना लैंड पुलिंग पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही किसानों की हजारों एकड़ जमीन वापस होगी। मध्य प्रदेश में कुल 84 परियोजनाएं विकास प्राधिकरणों द्वारा संचालित की जा रही है। इनमें से 66 पर 10% से भी कम काम हुआ है। इन सभी में जमीन किसानों को वापस की जाएगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग संशोधन विधेयक से 40 साल बाद कानून में संशोधन होगा। कि वर्तमान में इससे पहले जो नियम थे उसमें जब भी कोई स्कीम के लिए जमीन अक्वायर होती थी तो लगभग 80% विकास प्राधिकरण के द्वारा अक्वायर होती थी उनकी स्कीम के लिए, और सिर्फ शेष 20% पर जो वहाँ के जो किसान थे या जो वहाँ के जो मेन जो लैंड ओनर्स थे उनको सिर्फ 20% लॉट सी मिलती थी। इसमें हमने संशोधन किया है। अब जो लैंड पॉलिसी लैंड पूलिंग एक्ट के माध्यम से इसमें जो पॉइंट्स सामने आए हैं, 20% स्कीम जो अक्वायर होगी वो रोड्स के लिए आरक्षित की जाएगी, 5% पर पार्क्स प्लेग्राउंड और ओपन स्पेसेस, 5% पे जो अन्य जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है चाहे वो स्कूल हो, डिस्पेंसरी हो, फायर के कुछ इक्विपमेंट्स के लिए हो, पब्लिक यूटिलिटीज़ हो, और फिर 20% जो रह जाएगा उसमें 20% में जो अथॉरिटी है वो वहाँ पर या तो रेजिडेंशियल, कमर्शियल, EWS और अन्य प्रकार के हाउसिंग के लिए या कमर्शियल के लिए वो ज़मीन यूज़ कर सकेगी। शेष जो 50% रहेगा वो पूरा प्लॉट्स के माध्यम से जिनकी ज़मीन है उनको दिया जाएगा, जबकि पहले सिर्फ ये 20% था। साथ में जो ऐसी स्कीम्स जो अक्वायर हो गई थी, मतलब ज़मीन अक्वायर हो गई थी लेकिन वहाँ पर 1% भी कुछ विकास कार्य नहीं हो पाया था, इनके लिए हमने निर्णय लिया है कि ये ज़मीन वापस किसानों को लौटाई जाएगी, जो एक बहुत पुरानी मांग थी। इसमें लोग लगभग कुल 84 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो वर्तमान में ऑनगोइंग हैं, और हम तुरंत ये कह सकते हैं कि 66 ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें तुरंत हम वहाँ की ज़मीन किसान को वापस लौटा सकते हैं। कैबिनेट ने वर्दीधारी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 से बढ़ाकर 33 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। दैनिक वेतन भोगी कर्मी भी अब अन्य कर्मचारियों की तरह 60 की जगह 62 साल में सेवानिवृत्त होंगे। अनुदान प्राप्त कॉलेजों के शैक्षणिक संवर्ग की सेवानिवृत्ति आयु भी अब 62 की जगह 65 साल होगी। प्रति श्रेणी के समकक्ष पदों पर कार्यरत दैनिक वेतन भोगी जो स्थायी कर्मी है इनकी आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 साल कर दी गई है। रिटायरमेंट की 60 से 62 कर दी गई है। मुख्यमंत्री बागवानी तथा खाद्य प्रसंस्करण योजना को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसमें 100 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत अलग अलग क्लस्टर बनाए जाएंगे। अधिकतम सब्सिडी 5 लाख रुपए तक की मिलेगी। इसके लिए 5 लाख रुपए का प्रीमियम लगेगा। मध्य प्रदेश शासन की सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों हेतु न्यूनतम तथा अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण करने के लिए ये किया गया है कि जो PSC से जो सिलेक्शन होगा उसमें पहले न्यूनतम जो था वो 21 साल की थी और 33 मैक्सिमम थी, उसको न्यूनतम 21 था और अधिकतम 33 था, उसमें न्यूनतम 18 कर दिया गया। ये चेंज आया है। 18 ईयर वाला भी वो कर सकेगा इसमें। PSC के लिए 5 साल बढ़ा दिया है, वही मैं कह रहा हूँ। प्रसंस्करण योजना लागू की जा रही है और इसमें 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट होगा और इस में अलग अलग जगहों पर जो उद्योग की ज़मीन है, शासकीय ज़मीन, क्लस्टर बना के
एक जो फूलों की खेती और बाकी और इस तरह की जो खेती वो कर सकेंगे और इस सब्सिडी के रूप में उनको मिलेगी केवल 5 लाख रुपए उनको प्रीमियम लगेगा और बाकी जितने भी फैसिलिटीज़ होती हैं कृषि की भी उद्योग की वो सब उनको मिलेगी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें रोज़गार मिल सके। कुल मिलाकर कैबिनेट बैठक में कमलनाथ सरकार के फैसले से कई किसानों के चेहरे पर फिर से मुस्कान आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।